जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन में आज नाइनटीन्थ मे 2021 है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों ही परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें अपने दोस्तों के साथ कलीग के साथ शेयर कर दें कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें देखो वीडियो देखना शुरू किया अगर आपने तो ये क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दें इस क्वेश्चन को मैं वीडियो के आखिर में डिस्कस कर दूंगा और ये क्वेश्चन 2018 में 18 में यूपीएससी ने पूछा था आप लोग जो भी यूपीएससी पी के स्पेशली तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का पेपर हमने सॉल्व किया है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जा के देखें कई ट्रिक्स हमने वहाँ बताएँ कि किस तरह से यू के पेपर को सॉल्व किया जाता है क्या तकनीक अपनाया जा सकता है क्या ट्रिक्स अपनाया जा सकता है बेसिकली यू में ट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप ट्रिक्स कैच कर लिए ट्रिक्स को समझ गए तो यू पी निकालना आपके लिए आसान हो सकता है तो क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है कि विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा ठीक है दूसरा ऑप्शन है कि जब कभी विधानसभा का विघटन होता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा अब देखो इसका ऑप्शन ए है कि केवल एक सही है ऑप्शन बी है कि केवल दो सही है ऑप्शन सी है कि एक और दो दोनों सही है ऑप्शन डी है ना तो एक सही है ना तो दो सही है तो इसका जवाब दे इस देखो ये जो न्यूज है बाज नहीं आ रहा चीन पूर्वी लद्दाख के पास पीएलए का सैन्य अभ्यास तो चीन अपना सैन्य अभ्यास कर रहा है पीएलए के पास सवाल ये नहीं है ये लगभग डेली इस तरह का न्यूज़ चर्चा में रहता है खास करके चीन को लेकर के पिछले वर्ष तो लगातार चर्चा में था वर्तमान में भी चर्चा में बना हुआ तो आपको डेली इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जानकारी होना चाहिए चीन भारत चाइना इंडिया का क्या हिस्टोरिकल संबंध है दोनों के बीच में क्या ऐतिहासिक संबंध है दोनों के बीच में क्या सकारात्मक संबंध है दोनों के बीच में क्या नकारात्मक संबंध है किस तरह से क्वाड के माध्यम से चीन को प्रत्युत्तर दिया जा सकता है किस तरह से व्यापार में चीन को हम प्रत्युत्तर दे सकते हैं किस तरह से ए में चीन को हम प्रत्युत्तर दे सकते हैं ये सारी टॉपिक आपको जानकारी होना चाहिए चीन के साथ कहाँ हम सहयोग या कहाँ मिल काम कर रहे हैं जैसे ब्रिक्स का सम्मेलन अभी चल रहा है 2021 में ब्रिक्स की सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है तो ब्रिक्स में हम हम और चीन मिलकर काम कर रहे हैं तो ये बेसिक पॉइंट आपको जानकारी होना चाहिए डेली इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर के बड़े देशों में छिरी जंग तो वैक्सीन डिप्लोमेसी की विधिवत शुरुआत भारत, भारत ने ही की थी भारत ने फरवरी से लेकर के अप्रैल 2021 में फरवरी फरवरी से लेकर अप्रैल तक पंचानवे देश को 6.61 पॉइंट करोड़ वैक्सीन दिया था लगभग साढ़े छः करोड़ से अधिक वैक्सीन पंचानवे देशों को हमने दिया है फरवरी से लेकर के अप्रैल तक 2021 में और इसमें वन पॉइंट जीरो सेवन करोड़ जो है पड़ोसी देशों को वैक्सीन दिया था तो ये मेंस प्रस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी यूपीएससी का तो मेंस अभी नहीं होने वाला है लेकिन बीपीएससी का मेंस होने वाला है सिक्सटी सिक्स बी का मेंस होने वाला है जो लोग छियासठवीं बी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वैक्सीन डिप्लोमेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैक्सीन कूटनीति वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति का एक हिस्सा है तो हेल्थ डिप्लोमेसी का एक हिस्सा डिप्लोमेसी क्या होता है सबसे पहले तो ये समझो कि डिप्लोमेसी कूटनीति क्या होता है कूटनीति एक प्रक्रिया होता है जिसके माध्यम से हम किसी अन्य देशों के साथ संबंध को प्रभावित करते हैं वो प्रभावित जो है सकारात्मक रूप में हुई हो सकता है वो प्रभावित प्रभावित जो है नकारात्मक रूप में भी हो सकता है <clears throat> भारत जो भी वैक्सीन डिप्लोमेसी करता है वो नॉर्मली किसी भी देश के साथ सकारात्मक रूप में संबंधों को प्रभावित करने का काम करता है और अमेरिका दोनों काम करता है अमेरिका सकारात्मक रूप में भी प्रभावित करता है नकारात्मक रूप में भी प्रभावित करता है अपना अमेरिका जो है सैन्य बल सैन्य शक्ति अपनी क्षमताओं के आधार पर भी डिप्लोमेसी कायम करता है तो इसी तरह से देखो टीका के आधार पर जब वैक्सीन के आधार पर टीका के आधार पर कोरोना वायरस का जो टीका है उसके आधार पर किसी अन्य देश के साथ संबंधों को अगर हम प्रभावित करते हैं तो उसे कहा गया वैक्सीन डिप्लोमेसी एक मेडिकल डिप्लोमेसी का एक पार्ट है यह जहां अन्य देशों के साथ संबंध को मजबूत करने के लिए टीके का वितरण या विकास का उपयोग किया जाता तो इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट है देखो इसका इम्पोर्टेंस क्यों है वैक्सीन डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है सामरिक महत्व सामरिक महत्व समझो कि हमारे जो आस के देश हैं उसको हमने कोरोना का वैक्सीन दिया तो वहाँ हमारा एक इम्पोर्टेंस बढ़ा फरवरी से लेकर के अप्रैल तक हमने आसपास के देशों को सभी देशों को चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो नेपाल हो चाहे वो मालदीव हो चाहे वो श्रीलंका हो सभी देशों को हमने वैक्सीन प्रोवाइड किया तो अपना इम्पोर्टेंस हमने वहाँ पर क्रिएट किया साथ ही साथ देखो चीन को प्रत्युत्तर देने का भी हमने काम किया राइट यानी इन देशों में चीन अपना प्रभुत्व तो स्थापित ना करे देखो चीन क्या करता है चीन के बारे में आपको ये समझना होगा कि चीन जब वैक्सीन देता है किसी भी देश को तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वो अपना नियम थोप देता भारत इस तरह का कोई नियम नहीं थोप रहा भारत बिना किसी शर्त के वैक्सीन दे रहा तो एक अच्छा इम्पैक्ट वसुदेव कुटुमकम की भावना को हम समाहित करते हैं उसी भावना के तहत जो है हम अन्य देशों की मदद करते हैं तो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है पड़ोसी देशों के साथ संबंध इम्पोर्टेंस हो गया या अन्य कई देश जहाँ पे चीन को प्रतिउत्तर कर देने के लिए हमने वैक्सीन प्रोवाइड किया जैसे हमने कल आपको बताया था कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है बोलिबिया बोलिबिया को भारत ने वैक्सीन प्रोवाइड किया बोलिबिया को सबसे पहले चाइना वैक्सीन प्रोवाइड करने वाला था लेकिन चाइना बोलिबिया से मांग कर रहा था कि वो ताइवान को रिकॉग्नाइज करे कि ताइवान चीन का पार्ट है बोलीबिया ने इसे मना कर दिया वैसे कंडीशन में भारत ने बोलिबिया को वैक्सीन प्रोवाइड कर दिया तो इस तरह से चीन को प्रत्युत्तर देने के लिए भी हमने वैक्सीन का प्रयोग किया या वैक्सीन डिप्लोमेसी का प्रयोग किया आर्थिक लाभ के लिए कई देशों को आर्थिक अर्थ के आधार पर मदद किया कई देशों को जो है वैक्सीन दे करके हम पैसा कमाए तो आर्थिक लाभ भी हुआ वैश्विक सहयोग को सक्षम बनाया गया और वैक्सीन वैक्सीन राष्ट्रवाद का प्रत्युत्तर दिया गया वैक्सीन राष्ट्रवाद क्या है जिस तरह से अमेरिका ने किया कि सबसे पहले हम अपने देश के लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे तो भारत इस तरह का, का काम नहीं किया भारत जब वैक्सीन बना रहा था तो भारत के साथ साथ अन्य देशों की भी मदद कर रहा था तो वैक्सीन राष्ट्रवाद को रोकने के लिए भी हम काम कर रहे थे तो ये सब बेसिक पॉइंट है कि वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या होता है और वैक्सीन डिप्लोमेसी का क्या इंपॉर्टेंस है अब देखो वैक्सीन डिप्लोमेसी का ही इंपॉर्टेंस है कि अभी जब भारत में सेकेंड वेव आया है कोरोना का तो विश्व के देश भारत की मदद कर रहा है तो क्योंकि ऑलरेडी हमने विश्व के देश की मदद की थी अगर हमें विश्व का देश मदद कर रहा है तो उसका बहुत बड़ा कारण है वैक्सीन डिप्लोमेसी एनसीआर तक पहुंचा तूफान का असर ऑरेंज अलर्ट जारी दिल्ली एनसीआर तक जो है तूफान का असर पहुंच चुका है और बिहार तक भी इनफेक्ट तूफान का असर पहुंच चुका है मौसम यहां पे भी पानी की संभावना यहां पे भी है दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो सबसे पहले तो ये जाना कि ऑरेंज अलर्ट क्या होता <laughs> देखो तीन तरह का अलर्ट होता है पहला अलर्ट जो होता है येलो अलर्ट होता है येलो अलर्ट इसमें क्या होता है कि वॉच एंड ऑथराइज आर एडवाइज टू बी अपडेटेड ऑन द सिचुएशन मतलब आप सिचुएशन को देखिए वॉच कीजिए नज़र रखिए और सिचुएशन पे अपडेट करते रहिए यानी सिचुएशन अगर ख़राब होगा तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए ऑरेंज अलर्ट होता है कि वार्निंग स्टेंस फॉर अलर्ट यानी आप अलर्ट पे हैं आपको वार्निंग दिया जाता है कि आप अलर्ट पर रहिए राइट और तीसरा होता है रेड अलर्ट रेड अलर्ट स्टैंड फॉर वार्निंग एंड आस्क ऑथराइज टू टेक एक्शन मतलब रेड अलर्ट अगर आपको जारी किया जाएगा तो आपको एक्शन लेना है जैसे मान लो कहीं चक्रवात आने वाला है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में तो वहाँ से लोगों को विस्थापित करके दूसरी जगह जा कर के रखवाइए अगर आपको रेड अलर्ट जारी किया जाता है तो आप इसके लिए प्रिकॉशन लीजिए सारा का सारा एक्शन लीजिए तो दिल्ली में फ़िलहाल जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया अफवाहों से जूझता था फाइव जी का नेटवर्क ऑलरेडी कई बार आ, कुछ दिन पहले लगातार चर्चा में था कि फाइव जी नेटवर्क के कारण जो है कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा भारत में तो ये बिल्कुल अफवाह थी इसको लेकर के सेलुलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और साथ ही साथ डब्ल्यू एच ओ दोनों ने इस पे सफाई दिया है कि कोविड का फाइव जी से कोई लेना देना नहीं है मुझे लगता है कि इस तरह का भ्रम जो है चीन के द्वारा खास करके फैलाया जाता है क्योंकि फाइव जी टेक्नोलॉजी से हमने चीन को बाहर कर दिया हमने कहा कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है हम फाइव जी आपका नहीं लेंगे राइट right? तो बेसिकली मैं डिस्कस कर देता हूँ इसके बैकग्राउंड में जा करके इसको खुद से पढ़ लेना इसके बैकग्राउंड में जा करके फाइव जी टेक्नोलॉजी तथा उसके इम्पोर्टेंस को लेकर के मैं डिस्कस कर देता हूँ जो आपके एग्जाम प्रस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा फाइव जी का उपयोग लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन फोर जी टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ किया जाता है इस वर्ड का लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन कि अगली पीढ़ी का वर्णन करने के लिए किया जाता है यानी फोर टेक्नोलॉजी के बाद अन्य पीढ़ी है फाइव यानी फिफ्थ जनरेशन अब देखो राष्ट्रीय संचार नीति दो में आया था इस नीति का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था समाज में बदलना है और यह कार्य सर्वव्यापी लचीला और किफ़ायती डिजिटल संचार अवसंरचना और सेवाओं की स्थापना कर नागरिकों के उद्यमों की सूचना और संचार की आवश्यकताओं को पूरा करना यानी डिजिटल इंडिया जो हम प्रोग्राम लाए थे उस डिजिटल इंडिया को हमें सफल करना राष्ट्रीय संचार नीति 2018 के उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए भी हमें 5G टेक्नोलॉजी की जरूरत है ताकि डिजिटल इम्पोर्टेंस को प्रत्येक लोगों तक जोड़ा जा सके वर्तमान में देख रहे हो किस तरह का डिजिटल इम्पोर्टेंस बढ़ चुका है आधार कार्ड के माध्यम से सारा काम हो रहा है पी डी वगैरह में आधार कार्ड को जोड़ा रहा है जोड़ा जा रहा है अन्य कई सारे काम जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जा रहा है उपभोक्ता केंद्रित और एप्लीकेशन प्रेषित राष्ट्रीय संचार नीति 2018 हमें 5G टेक्नोलॉजी आई मशीन टू मशीन जैसे अग्रणी टेक्नोलॉजी लॉन्च करने के बाद नए विचारों को नवाचार की ओर ले जाती है इसका मतलब क्या होगा नीचे मैं आपको बताता हूँ देखो ये जो 5G टेक्नोलॉजी है इसकी आवश्यकता हमें है इंडस्ट्रियल रिवोलूशन फोर के लिए चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए भी इसकी आवश्यकता आपको पता होना चाहिए कि भारत पहली औद्योगिक क्रांति दूसरी औद्योगिक क्रांति और तीसरी औद्योगिक क्रांति तीनों में भाग नहीं लिया और चौथी औद्योगिक क्रांति में हम अग्रणी भूमिका निभाने वाले हैं तो चौथी औद्योगिक क्रांति का जो पार्ट है बिटकॉइन हो गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया मशीन लर्निंग हो गया रोबोटिक्स हो गया थ्री प्रिंटिंग हो गया ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया ये जो आठ टॉपिक मैंने बताया प्रत्येक वर्ष हर एक टॉपिक से यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीलिम्स में जाकर के देखना आपको प्रत्येक वर्ष आपको इससे क्वेश्चन मिल जाएगा तो हमें चौथी औद्योगिक क्रांति को सफल करना हमें इन टेक्नोलॉजी को सफल करना अपने देश में तो इसलिए हमें जरूरत है फाइव जी टेक्नोलॉजी की राइट अब देखो फाइव जी की विशेषता क्या तो सबसे पहला विशेषता है कि इंटरनेट स्पीड इंटरनेट स्पीड इसका काफी हाई स्पीड होगा ट्वेंटी जीबीपीएस जो है इसका इंटरनेट स्पीड होगा ट्वेंटी जी काफी बड़ा स्पीड होता है उन्नत एल टी ठीक है उसके बाद मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम तो ये सारी की सारी विशेषता है फाइव जी टेक्नोलॉजी की राइट लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन का जो है ये उन्नत संस्करण है मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम है इसमें और ख़ास करके इंटरनेट स्पीड इस इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है इसलिए चौथी औद्योगिक क्रांति में हम महत्व भूमिका निभा रहे हैं या निभा सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से फाइव के माध्यम से अब देखो इसका बाधा क्या है चुनौती क्या है सबसे पहला चुनौती यही है कि आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमारे देश में है और 5G के लिए एक अलग से आधारभूत संरचना चाहिए जो हमारे देश में नहीं है और हमारे देश में वित्त की कमी भी है यानी पैसा की भी कमी भी है उपभोक्ताओं के पास वित्तीय बोझ बढ़ेगा अगर फाइव जी टेक्नोलॉजी आएगा तो नया उसको फोन खरीदना हो गया और नया फ़ोन खरीदना होगा तो उपभोक्ताओं के पास जो है इसका व्यय बढ़ेगा पूंजी अपर्याप्तता दूरसंचार कंपनी जैसे बोडाफोन हो गया एयरटेल हो गया उसके पास फाइव जी स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो फाइव जी स्पेक्ट्रम चूँकि खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं है तो फाइव जी लगाएंगे कैसे वो राइट फाइव जी अनुप्रयोग अनुप्रयोगों की उपयोगिता फाइव जी क्लाउड कंप्यूटिंग बिग डाटा एज कंप्यूटिंग इत्यादि के माध्यम से चौथी औद्योगिक क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया तो ये सारे के सारे इसका बाधा है right? राइट तो उम्मीद करता हूँ फाइव टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या उसके समक्ष चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के चुनौती है पूंजी को लेकर के चुनौती है पैसा को लेकर के चुनौती है कई सारी चुनौतियाँ हैं दवाओं के उत्पादन में बिछड़ने का पिछड़ने का खतरा देखो दवाओं को लेकर के लगातार चर्चा बना हुआ पिछले दो तीन वीक में ये दूसरा या तीसरा एडिटोरियल आ रहा है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ए को लेकर के दवाओं की जो कच्चा माल है उसको कहा गया एपीआई ए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रेडिएट जो दवाओं के कच्चा माल है और चूंकि ये आर्टिकल लिखा हुआ भरत झुंझुनवाला के द्वारा और काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं काफ़ी अच्छा एडिटोरियल लिखते हैं तो इनको ज़रूर जा करके आप लोग पढ़ना पूरा पढ़ना मैं डिस्कस कर देता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट देखो आने वाले छः वर्षों में इसमें दावा किया गया है कि चीन हमसे आगे जा सकता है दवाओं के निर्माण में दवाओं का भारत हब है विश्व का दवा का हब है भारत चीन हमसे आगे जा सकता है उसको लेकर के भी चर्चा किया है और साथ ही साथ चर्चा किया गया है कि हमें क्या करना चाहिए तो दवाओं की जो कच्चा माल है उसको ए कहा गया सक्रिय दवा सामग्री हिंदी में कहा जाता है अंग्रेजी में ए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रेडिएंट कहा गया भारत में लगभग 1500 सौ के प्लांट है जो भारत की फार्मा जरूरत भारत की जो इंडस्ट्रीज की ज़रूरत है उसका मात्र 10 परसेंट पूरा कर पाता है नाइन्टी परसेंट कच्चा माल हम आयात करते हैं और जिसमें 70 परसेंट अकेले हम चीन से आयात करते हैं अब देखो चुनौती क्या चुनौती ये है वर्तमान में चुनौती यह है कि हिमाचल प्रदेश में जहाँ पहले कच्चा माल पंद्रह हज़ार रुपये प्रति के जी मिलता था अभी वर्तमान में ये सतहत्तर हजार रुपये प्रति के जी मिल रहा लगभग चार गुना से अधिक महंगा हो गया पिछले दस से पंद्रह वर्ष में चीन से सस्ते मूल्य एपीआई उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया होता क्या था कि हमारे देश की जो फार्मा कंपनी थी मान लेते हैं कि वो अपने यहाँ अगर ए का उत्पादन करती है तो उसे सौ रुपये में उत्पादन होता है चीन से मान लेते हैं वो मंगा रही है तो उसे सत्तर रुपये में मिल रहा तो ऐसे कंडीशन वो चीन से ही मंगाना प्रिफर करती थी यही कारण है कि चूंकि सस्ता दर पे हमें ए चीन से उपलब्ध हो पाता था हम अपनी जो भी जरूरत है उसका ज़्यादातर आयात करते थे ज़्यादातर करते थे वो चीन से कर लेते थे चूँकि वो सस्ता मिल पाता था हम अपने यहाँ करते तो सौ रुपये में उत्पादन होता चीन से हम मंगा रहे थे तो सत्तर रुपये में मिल रहा है अब देखो इसको लेकर के हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं दो में कह चुके थे कि ए में भारत को अपने पे निर्भर होना चाहिए हमें चीन पे निर्भरता घटानी चाहिए <coughs> सॉरी लेकिन चूंकि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात हम नहीं माने और नहीं माने तो इसलिए वर्तमान में ये क्राइसिस हम झेल रहे हैं वर्तमान में हम ए की क्राइसिस को झेल रहे हैं चूंकि दो में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात हम नहीं माने थे अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि एपीआई को आत्मनिर्भर बनाने ए पी में हम कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं उसके लिए कुछ उपाय की चर्चा किया गया है राइटर के द्वारा पहला इन्होंने कहा है कि एपीआई और मेडिकल उपकरण पे आयात कर बढ़ाने होंगे हम एक काम करते हैं ए पी हम आयात कर बढ़ा देते हैं और जो मेडिकल उपकरण हम मंगा रहे थे उस पर हम कुछ दिन के बाद आयात कर बढ़ा देंगे आयात कर बढ़ाएंगे इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब ये होगा कि जो घरेलू निर्माण है उसको बढ़ावा मिलेगा ए पी का घरेलू निर्माण को बढ़ावा मिलेगा मेडिकल उपकरण के घरेलू निर्माण को बढ़ावा मिलेगा साथ ही कहा गया कि तकनीकी सेक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसको लेकर के अलग से एडिटोरियल आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें खर्च करने की ज़रूरत है हम तकनीक में खर्च करें हम नए 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 वैक्सीन का खोज करें हम नए नए दवाई का खोज करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खोज करने की ज़रूरत है हमें अपने यहाँ से अधिक से अधिक पेटेंट के लिए आवेदन देने की जरूरत है क्योंकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खोज करेंगे तभी जाकर के हम पेटेंट में आवेदन दे पाएंगे अब देखो विश्व में सबसे अधिक जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पेटेंट मिला है डब्ल्यू को 2020 में सबसे अधिक पेटेंट मिला था चाइना से अमेरिका को चाइना क्रॉस कर गया भारत की स्थिति अभी बहुत ही ख़राब है इस क्षेत्र में रिसर्च में काफ़ी कंडीशन कंडीशन खराब है अब देखो तीसरा राइटर का पक्ष है कि मेडिकल उपकरण के लिए ज़रूरी बुनियादी ढांचा के निर्माण करना होगा राइट और इसके लिए सरकार ऑलरेडी लगभग सात हज़ार करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है तो उससे हम बुनियादी ढांचा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर पाएंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट राइटर का कहना है कि पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए यानी जो कंपनी है वो कंपनी मान लीजिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रही है या वो कंपनी ए uh, पी आई का निर्माण कर रही है तो वैसे कंडीशन में उस कंपनी को हमें सस्ते दर पर ऋण देना होगा हमें पैसा उपलब्ध करवाना होगा उस कंपनी को ताकि वो कंपनी ए पी आई का निर्माण कर सके तो ये बेसिक कुछ बातें राइटर के द्वारा कही गई है इसको जाकर के एक बार पढ़ लेना बहुत सारे अन्य बात भी यहाँ पे दिया हुआ जो हम आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाए लेकिन बेसिक इसका जो क्रक्स है वो क्रक्स हमने आपके साथ डिस्कस किया इकोनॉमी की बुनियादी बुलंद कोरोना का असर पहली तिमाही के बाद नहीं है तो कोरोना का असर जो है पहली तिमाही के बाद नहीं होगा पहली तिमाही कब होता है देखो अप्रैल मई और जून ये जो होता है ये पहली तिमाही होता है एक फाइनेंशियल ईयर में चार तिमाही होते हैं पहला तिमाही होता है अप्रैल मई और जून दूसरा होगा जुलाई अगस्त और सितंबर, तीसरा होगा अक्टूबर नवंबर और दिसंबर और चौथा होगा जनवरी फरवरी और मार्च तो पहली तिमाही तक कोरोना का असर हो सकता है उसके बाद इसका असर नहीं होगा ये कहना है आर का राइट अफ़गानिस्तान अब चीन अफगानिस्तान पे चीन अपने यहाँ करेगा शांति वार्ता देखो चीन जो है अपना दबदबा का, कायम करना चाहता है फिलिस्तीन के मुद्दे पे इसराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पे चीन ने दोनों देश को आमंत्रित किया है कि इसराइल और फिलिस्तीन दोनों हमारे देश में आइए हम दोनों के बीच में सोलह करवा देंगे इसी तरह से अफगानिस्तान के मुद्दे पर पहले देख रहे थे कि अमेरिका एक अहम भूमिका निभा रहा है अब देख रहे हैं अफगानिस्तान के मुद्दे पर चीन अहम भूमिका निभाना चाहता है चीन अपना क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम करना चाहता है चीन अपने आप को विश्व में अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है और उसके लिए वो जितना भी ज़रूरी कदम है वो सारा उठा रहा है उसी का एक पार्ट देख रहे हैं कि इनका कहना है चीन का कि अब आप हमारे देश में आइए हम आपके शांति वार्ता स्थापित करेंगे लेकिन निश्चित तौर पे ये कदम भारत के लिए सही नहीं होगा राइट अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए सही नहीं होगा अफगानिस्तान तालिबान की वार्ता अगर चीन करवाता है शांति स्थापित करवाता भी है तो भी भारत के लिए सही नहीं होगा उसका रीज़न है कि भारत तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करता भारत तालिबान के संदर्भ में कहता है कि तालिबान एक आतंक संगठन है आतंकवादी संगठन जो कि है भी तालिबान ऐसे कंडीशन में चीन का प्रभुत्व तालिबान पर बढ़ जाएगा तालिबान को क्रिएट किया है अमेरिका पाकिस्तान तो पाकिस्तान का प्रभुत्व ऑलरेडी तालिबान पर है चूँकि पाकिस्तान ने तालिबान को क्रिएट किया है और ऐसे कंडीशन में चीन का प्रभुत्व भी तालिबान पर बढ़ जाएगा तो जो भारत के लिए सही नहीं है देखो पाक में इस निंदा को आरोप आरोपित को मारने के लिए थाने पे हमला ये मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि ब्लास्ट फैमी लॉ जो है जिसको इस निंदा कानून कहते हैं उसको लेकर के यूरोपीय संसद में एक बिल पारित किया गया था पाकिस्तान के अगेंस्ट यूरोपीय देश जो पाकिस्तान को जी स्टेटस देते हैं जीएसपी स्टेटस यूरोपीय देश पाकिस्तान को देते हैं जिस कारण पाकिस्तान जो है अपने यहाँ से कॉटन का अच्छा खासा उत्पाद कर पाता है या बेच पाता है यूरोपीय देशों को यूरोपीय यूनियन के देशों ने कहा कि आप अपने यहाँ जो है ईस्ट निंदा कानून है उसकी समीक्षा कीजिए अगर आप समीक्षा नहीं करेंगे तो हम आपको जीएसटी स्टेटस जो है हटा सकते हैं हम रिमूव कर सकते हैं तो इसके बैकग्राउंड में समझो कि इस निंदा कानून है क्या इस निंदा कानून ये है कि जैसे धर्म के आधार पे कुछ टिप्पणी पाकिस्तान में अगर आपने किया तो आप पे इस निंदा कानून लग सकता है और आपको मृत्यु दंड की सजा तक दी जा सकती है जैसे मान लो भारत में एक व्यक्ति ने कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि कुरान की कुछ आयत को जो है उसमें सुधार करने की जरूरत है ठीक है तो उसके खिलाफ़ वो सुप्रीम कोर्ट गया इस तरह की बात अगर आप कह देंगे पाकिस्तान में कि कुरान में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कुरान के कुछ आयात में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप पे इस निंदा कानून लग सकता है और इस निंदा कानून लग सकता है तो वहाँ के कोर्ट के अनुसार आपको मृत्यु दंड हो सकता है मृत्यु दंड बाद में होगा लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं वो खुद पहले आपको मार देंगे राइट इस न्यूज़ को पढ़ोगे तो यही दिया हुआ है कि वहाँ के जिहादी माइंड के लोग थाने पर हमला कर दिए थाने के पुलिस ऑफिसर को मारे हैं और उस आरोपी को भी मारने का प्रयास किया राइट अब देखो भारत में क्या है इसको भारत के कंपेयर में देखो भारत में अगर आप बोल दोगे कि कुरान के किसी आयत पे सुधार करने की ज़रूरत है तो कोर्ट एक्शन लेगा उस तो पर कोई व्यक्ति आप पे एक्शन नहीं ले सकता मास लेवल पे इसी तरह से मान लो आपको ये बोल दो कि गीता में किसी आ, आ, किसी श्लोक को लेकर के आपको आपत्ति है तो आप पे इस निंदा कानून नहीं लगेगा अब देखो पाकिस्तान में भले ही प्रोटेक्शन दिया गया है इस निंदा के लिए मुसलमानों को लेकिन क्या वहाँ के माइनॉरिटी प्रोटेक्शन है बिल्कुल नहीं हमने देखा कि पाकिस्तान में जो है जो चर्च है चर्च में पाकिस्तान की जो मुस्लिम महिला है वो काफ़ी संख्या में घुस गई और वहाँ पे जो है मुसलमान धर्म के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया चर्च जो ईसाइयों के लिए प्रथमा प्रार्थना का स्थल होता है ईसाई धर्म के लोग वहाँ पे जाकर प्रार्थना करते हैं वहाँ पे जाकर के मुस्लिम महिलाओं के द्वारा जो है प्रार्थना किया गया तो क्या उस मुस्लिम महिलाओं पर इस निंदा कानून लगा ब्लास्फेमी लॉ लगा बिल्कुल नहीं लगा तो ये दोहरी मानसिकता है जो पाकिस्तान में ऑलरेडी है भारत में इस तरह का कोई लेना देना नहीं है चलिए हमारे पास इतना ही था वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू सो मच